हम इस समय रेशम कीट पालकों के साथ मिल रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, जान रहे हैं कि वे कैसे अपना कीट पालन कर रहे हैं, कहीं पर कोई समस्या तो नहीं आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। इसी बीच हमें आपका शुभ नाम, हम रमेश राम जी के साथ हैं जो कि कोटावाग ब्लॉक में है नैनीताल जिले के, और ये रेशम के कीड़े को पत्ती खिलाने के लिए, क्योंकि रेशम का कीड़ा इस समय हम सहतूती रेशम कीट पालन की बात कर रहे हैं, और सहतूती रेशम कीट पालन का जो कीड़ा होता है वो सहतूत की पत्तियां खाता है, और सहतूत की पत्तियों को जब हम आए तो हमने देखा कि जो रमेश जी हैं वे सहतूत की पत्तियां इस प्रकार से एक थैले में ला रहे थे, तो तुरंत ही हमें लगा कि ये हमें अन्य अपने किसानों को भी बताना चाहिए कि उन्होंने रेशम की पत्ती क्या, सहतूत की पत्ती क्या ऐसे थैले में लानी चाहिए तो, और नहीं लानी चाहिए तो किस थैले में लानी चाहिए और क्यों नहीं लानी चाहिए। ऐसी मैं अपने साथ जुड़े रोमिल जी से अनुरोध करूंगा कि आप बताएं कि ये थैले में हमें क्या करना चाहिए कि पत्तियों के बारे में। देखिए, जैसा कि हम भी अभी अभी हमने देखा कि ये किसान भाई सहतूत की पत्तियां तोड़ के अपने खेत से, अपने पेड़ों से तोड़ के कीड़ों को खिलाने के लिए लाए हैं। और पत्तियों का देखिए, पत्तियां तो अच्छी गुणवत्ता की हैं, लेकिन जो इनका लाने का तरीका है वो उचित नहीं है। देखिए, ऐसा होता है कि जब भी हम भी अपना भोजन करते हैं, तो अगर हम कोई ऐसी जगह पे भोजन रखेंगे बिल्कुल टाइट बंद करके, बहुत जहां पर ना हवा हो ना कुछ हो, और एक तरीके से बिल्कुल हमने उसको गर्म वातावरण में रखा है, तो वो भोजन भी शायद हम खाना पसंद नहीं करेंगे। तो ये तो कीट है, इसको तो जैसा हम खिलाएंगे वो खा तो लेगा, लेकिन वो उसके लिए नुकसानदायक होगा। ये जो आप देख रहे हैं प्लास्टिक का है ये बैग, इसमें ना तो कहीं से हवा अंदर जाने का है, और ना ही कोई जिस तरह से इसमें ठूस ठूस के पत्ती भरी गई है, तो इसके अंदर का तापमान भी बहुत ज्यादा हो गया है। ऐसी स्थिति में होगा क्या कि कितनी भी अच्छी गुणवत्ता की पत्ती अपने पेड़ों से तोड़ के लाएंगे, तो जब तक वो घर में लाएंगे और फिर जब कीड़ों को खिलाने के लिए आएंगे, तब तक इस पत्ती का स्वरूप बदल गया होगा। ये पत्ती झुलस जाएगी और ये कीड़ों को खिलाने योग्य कम रहेगी, लेकिन चूंकि कीड़ा तो खा लेगा, तो बाद में होगा क्या कि इस तरह की पत्ती को खाने से कीड़े का स्वास्थ्य प्रभावित हो जाएगा और वो इसमें बीमारी होने की संभावना ज्यादा रह जाएगी। तो जब वो इस प्रकार के थैले में, एक बंद थैले में पत्तियों को लेकर के आ रहा है, तो हमारा ये मानना है कि उसमें जब वो ठूस ठूस करके भरा हुआ है, तो एक लोकल लैंग्वेज में, या फिर अभी हम एक पहाड़ी जिले पर हैं तो यहाँ पर भपका शब्द कहते हैं, भपका, भपक, क्यों सही कह हाँ रहा हूं सर, मैं? सर सर हम तो ऐसा है सर, हम तो इनको लाते हैं, फिर नीचे जमीन में फैलाते हैं, उसके बाद पंखा हाँ चलाते हैं, फिर सुबह से। हाँ हाँ सुनिएगा, तो उसमें जो है एक भपका सा, यानी कि उसमें भपक खत्म टेम्परेचर होते हैं सर। टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो टेम्परेचर बढ़ जाता है जब ये इसमें लाते हैं, और वो फिर कीड़ा जब उसको तुरंत खाता है तो उसे नुकसान होता है। तो इन्हें किस प्रकार के थैले में इसे लाना चाहिए रोमिल जी? देखिए, किसान अमूमन इस तरह का ही उपयोग करता है, लेकिन इसके लिए हमें ऐसा थैला का उपयोग करना चाहिए जिसमें कि जालीदार हो, यानी कि उसमें हवा आ जा सके, जिससे कि पत्ती अगर उसमें हम रखे तोड़ के लाएं भी, तो वो ज्यादा समय तक उसमें नमी बने रहे, उसमें वो भपका यानी कि गर्म वातावरण ना बने और पत्ती झुलसे ना। इसके लिए ये देखिए, ये इस तरह का ये एक थैला है जो कि इन्हीं किसान भाई के पास है, तो हम इनसे आगे के लिए कहेंगे कि आप इसी में पत्ती तोड़ के लाएं। ये देखिए, ये जाली नुमा है, इसमें हवा चारों तरफ से अंदर आ रही है, और इसमें जब हम पत्ती रखेंगे तो वो बिल्कुल भपकेगी नहीं और उसमें ना ही वो झुलसेगी। तो आगे से हम चाहेंगे कि किसान भाई इसी पत्ती को अगर इस तरीके से लेके आएंगे, तो ये देखिए इसमें जो पत्ती आई है वो कितनी आसानी से आ गई है, और इसमें चारों तरफ से इसमें हवा का आदान प्रदान भी हो रहा है, और ये पत्ती ज्यादा समय तक नम बनी रहेगी, ये झुलसेगी नहीं और कीड़े के लिए अच्छे भोज पदार्थ के रूप में उपयोग की जा सकेगी। तो ये बहुत ही सुनने में बहुत ही छोटी सी बात थी, और हमारे किसान भाइयों को भी ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या था, पत्ती किसी भी बैग में लेकर के आ जाएं, लेकिन ये है छोटी सी बात, लेकिन बहुत गंभीर इसके परिणाम होते हैं, और ये आपके उत्पादन में एक नुकसान करती है जिसका हमें समझ में भी नहीं आता है कि ये परेशानी हुई किससे होगी, और ये एक इस प्रकार के थैले में पत्ती लाने से ही हो गई होगी, और हमारे कीड़े को बीमारी हो गई होगी, और हमारा कीड़ा कल को उत्पादन नहीं करेगा या फिर मर जाएगा। इसलिए हमारे बहुत मेहनत करने वाले रमेश जी जैसे किसान भी, उन्हें अंत में लगेगा कि हमारा कीड़ा तो बीमारी कर गया, मर गया, कोई उत्पादन नहीं हुआ, या फिर थोड़ा सा ही उत्पादन हुआ, और ऐसे में वो अच्छी उत्पादन करके अच्छी आय नहीं ले पाएंगे। तो मेरा अनुरोध अपने रमेश जी जैसे मेहनत करने वाले किसानों से भी होगा, और अन्य मेहनत करने वाले किसानों से भी, कि वो एक अच्छी तौर तरीके को इस्तेमाल करें जो हमारे साथ जुड़े रोमिल जी ने भी आपको बताया, और अच्छा उत्पादन लें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।